Hello, dear students. Welcome to my class. It's me, Varsha, and today we will study C4 cycle or Hatch and Slack cycle. So, C4 cycle or Hatch and Slack cycle in the year 1957, Koschek. And co workers reported synthesis of 4 carbon compound, 4 carbon organic acid, as the first stable compound of photosynthesis in sugarcane. After some time, Carpilog also discovered this process in maize leaves. And in the year 1966, two scientists, M.D. Hatch and C.S. Lack, investigated the complete pathway in these plants where the first stable product of co2 fixation was four carbon compound so it is also called hensenleck cycle because it was discovered by hensenleck and because in this process first stable compound in the cycle was four carbon oxaloacetic acid so it is also called c4 cycle These are C4 plants, Saccharum officinarum or sugarcane, this is sargum and this is maize, Z maize and C4 plants are ंग पी इपी कार्बोक्सिल्बोक्सिकाइनेस एज द डी कार्बोक्सिलेटिंग एज एग्जाम्पल पेनिकम मैक्सिमा। नेक्स्ट इज पाथ ऑफ कार्बन इन सी फोर साइकिल in c4 plants uh, dimorphic chloroplast is found the chloroplast is dimorphic in which uh, it is smaller in size in mesophyll cells and it is larger in size in bundle sheath cells and uh, both the cells mesophyll cells and bundle sheath cells are involved in c4 cycle and uh, the process mechanism in mesophyll cells first uh, primary acceptor of uh, co2 is uh, three carbon compound phosphoenolpyruvic pyruvic acid and the reaction takes place in cytoplasm of the mesophyll cells where phosphoenol pyruvic acid combined with carbon dioxide to form four carbon oxaloacetic acid in the presence of phosphoenol pyruvate carboxylase क्या होता है इसमें कि जो दो सेल्स जो है मिजोफिल सेल्स और बंडल शीत सेल्स दोनों पार्टिसिपेट करते हैं सीफो साइकिल में मिजोफिल सेल्स का क्लोरोप्लास्ट और बंडल शीत सेल के क्लोरोप्लास्ट में अंतर होता है साइज में इसलिए यहाँ क्लोरोप्लास्ट कहलाता है और प्राइमरी एक्सेप्टर जो है इसमें सीओ टू की वो फॉस्फोइनोल पार्बिक एसिड है जो कि थ्री कार्बन कंपाउंड है ठीक है अब आप अगर कंपेयर करो इसको C3 साइकिल से तो C3 साइकिल में CO2 एक्सेप्टर जो था वो रिबुलोज बिस्फोस्फेट था जो कि 5 कार्बन कंपाउंड था और यहां पर अंतर आ गया कि एक्सेप्टर्स uh, CO2 जो है वो uh, PEP है फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड है और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनता है 4 कार्बन कंपाउंड नाउ दिस ऑक्सैलोएसिटिक एसिड देन ट्रांसपोर्टेड टू द क्लोरोप्लास्ट ऑफ मेसोफिल अब जो ये ऑक्जेलो एसिड बना था वो क्लोरोप्लास्ट में ट्रांसफर मीजोफिल सेल के अंदर ये पहले मीजोफिल सेल के क्लोरोसाइटोप्लाज्म के अंदर ऑक्जेलो एसिड बना वो ट्रांसफर होके चला गया क्लोरोप्लास्ट में और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है ये आ, मैलिक एसिड में रिड्यूस हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम मेलिक डीहाइड्रोजीन बाइ यूटीलाइजिंग एन ए डी पी एच द रिड्यूस फॉर्म ऑफ निकोटीस ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन इन द लाइट रियक्शन नेक्स्ट इज अब आपको साइकिल uh, देख के इजिली समझ में आ जाएगा uh, ये साइकिल है C4 साइकिल में दो सेल पार्टिसिपेट कर रहे हैं पहला तो हो गया मिजोफिल सेल अब मिजोफिल सेल जो है ये यहां पर मिजोफिल सेल है ठीक है अब मिजोफिल सेल के साथ यहां पर नीचे जो है वो क्लोरोप्लास्ट सेल है क्लोरोप्लास्ट सेल मीजोफिल सेल नीचे क्लोरोप्लास्ट सेल है अब मीजोफिल सेल्स के अंदर फोस्फोइनोल पायरविक एसिड जो है थ्री कार्बन कंपाउंड विच इज सीओ टू एसेप्टर मीजोफिल सेल्स के अंदर कहाँ से आई जो स्टोमेटा होते हैं वहां से सीओ टू एंटर किए और रिएक्शन किसके साथ हुआ पीईपी -पी के साथ रिएक्शन हुआ कहाँ पे हुआ मीजोफिल सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर और फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो बना वो एसिड था और वो फोर कार्बन कंपाउंड होता है अब ये फोर कार्बन कंपाउंड होता है इसीलिए इसको क्या बोलते हैं सी फोर साइकिल अब ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है वो मिजोफिल के क्लोरोप्लास्ट के अंदर ट्रांसफर हो जाता है जहां ये कन्वर्ट हो जाता है मैलिक एसिड के अंदर मैलिक एसिड में जब ये कन्वर्ट होता है उस समय ये जो नॉन के नॉन फोटोफॉसेशन में जो एन पावर बना था एनएडीपीएच की फॉर्म में उसको यूटिलाइज करके मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है लेकिन कुछ प्लांट्स जो कुछ कैटेगरीज हैं उसमें ऑक्लो एसिटिक एसिड वो है वो एस्पार्टिक एसिड में भी कन्वर्ट हो जाता है नीस थ्री ऑर्गेनिक एसिड्स फोर कार्बन कंपाउंड्स वाले ऑर्गेनिक एसिड ऑक्सलो एसिडिक एसिड मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड ऑल द थ्री एसिड्स दे एंटर दे ट्रांसपोर्ट टू द बंडल शीत सेल्स, क्लोरोप्लास्ट ऑफ बंडल सी सैल ठीक है अब ये रिएक्शन जो हुआ था ये हुआ था कहां पर हुआ था क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये मिजोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में था उसके बाद ये बंडल शीत सेल के क्लोरोप्लास्ट में ट्रांसफर हो जाता है Now, malic acid transfer to the uh, chloroplast of the bundle sheet cell. Here, it is decarboxylated. Decarboxylation means release of carbon dioxide. And uh, it will convert into pyruvic acid. And CO2 is released in this reaction. Now, this CO2 is uh, taken by ribulose bisphosphate. किस में होता है ये सीओट ये समय सेकेंडरी सीओ टू एक्सेप्टर की तरह वर्क करता है प्राइमरी सीओ टू एक्सेप्टर तो साइकिल में अभी भी फॉस्फोइनोल पायरोविक एसिड है सॉरी अब ये रिबलोस uh, डाइफॉस्फेट uh, जो है या बिस्फेट जो है वो सीओ टू एक्सैप्ट करता है और सीओ टू एक्सेप्ट करके फर्स्ट तो वही सिक्स कार्बन कंपाउंड इंटरमीडिएट फॉर्म होगा अनस्टेबल इंटरमीडिएट विच विल विल इमीडिएटली स्प्लिट इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड टू का मतलब ट्वेल्व मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड नाउ वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट विल प्रोड्यूस एंड री आर यू बी पी इज रीजेनरेटेड क्योंकि वो एग्जॉस्ट हो जाती है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट तो ये कैलविन साइकिल में एंटर कर जाती कार्बन डाइऑक्साइड और वहां पर कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो जाता है अब जो एसिड फॉर्म हुआ था बंडलशीत क्लोरोप्लास्ट में इट इज ट्रांसपोर्टेड टू द अगेन इन द मीजोफिल क्लोरोप्लास्ट इन मीजोफिल क्लोरोप्लास्ट इन द प्रेजेंस ऑफ फोस्फेट पायरोम बाई यूटिलाइजिंग ए टीपी एसिमुलेटरी पावर ऑफ atp which were produced in the non-cyclic and cyclic photophosphorylation of light reaction it will convert it into it will convert into phosphoenol pyruvic acid again this phosphoenol pyruvic acid which is 3 carbon compound except co2 from the atmosphere and convert into 4 carbon compound oxaloacetic acid this is c4 cycle Our Importance क्या है है क्यों होता ये ये के अंदर ये तो मैंने बता दिया सेल में तीनों जितने ऑक्जोलिक एसिडिक एसिड और मैलिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड फॉर्म हुए वो शिफ्ट कर जाते हैं कहां पर बंडल बंडरशीत सेल में जहां पर इसका डिकाबोक्सिलेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम और रिबलोस uh, uh, के बाद जो सीओ टू रिलीज होती है एंजाइम तो मैलिक एंजाइम था और सीओ टू जो रिलीज हुई पायरुविक फॉर्मेशन में वो आरूब्यूपी उसको लेकर के और को इसको लेकर के क्या कर देता है थ्री फॉस को ग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है पायरोविक एसिड वापस जाकर के पीईपी -पी में कन्वर्ट हो जाता है फॉस को इनॉल पायरोविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है अब क्या होता है कि सी थ्री जो होती है, C3 में, होता है कि रिब्स जो होता है उसका काम होता है डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना लेकिन वो क्या करता है उसकी एफिनिटी तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होती है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करता है लेकिन अगर एटमोसफियर में सी टू कॉन्सेंट का कंसंट्रेशन थोड़ा कम और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन भी ज्यादा हो जाता है तो वो अपनी एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ भी शो करना शुरू कर देता है और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो फूड होता है उसको ऑक्सीडाइज करना शुरू कर देता है और टू कार्बन कंपाउंड वाले वेस्ट uh, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है जैसे कि फॉस्फो ग्लाइकोलिक uh, एसिड वो जो आगे जाकर के ग्लाइकोलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है तो वो टू कार्बन कंपाउंड होता है इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोरेस्पिरेशन जो कि इसमें वेस्ट प्रोडक्ट बहुत सारे बनते हैं एनर्जी लॉस बहुत होता है इस प्रोसेस में तो टिपिकल सी थ्री प्लांट्स इंक्लूड बार्ली सनफ्लावर राइस टोमेटो इन सब सी थ्री प्लांट्स के अंदर फोटो रेस्पिरेशन भी होता है और ये टिपिकली कूलर और वेटर प्रॉपर प्र, पोर्शन में पाए जाते हैं सारे इनको पूरी प्रॉपर मॉइस्चर चाहिए होता है और वेट जगहों पर ज्यादातर होते हैं और दूसरी बात की है कि वैन स्टोमेटा आर ओपन दे ऑल्सो डू वॉटर लॉस समझ में आया क्योंकि सीओ टू के लिए तो ओपन करके रखनी पड़ती है सीओ टू लेने के लिए तो ये डिसएडवांटेज है दिस इज डिसएडवांटेज इन ड्रॉट एंड हाई टेम्परेचर इन्वायरमेंट लेकिन इन अदर हैंड सी फोर एनाटमी तो इसको ये इम्पोर्टेंट बात है क्रांस एनाटोमी पे समझ लो क्वेश्चन रखे हुए होते हैं उसके बारे में आपको बताना होता है सो क्रांस एनाटोमी अलाउ कार्बन डाइऑक्साइड टू कॉन्सेंट्रेट इन बंडल शीत सेल्स अराउंड रिबिसको This structure delivers carbon dioxide straight to Ribisco, effectively removing its contact with oxygen. This adaptation allows plants to retain water through the ability to continue fixing carbon uh, while stomata are closed, also. तो क्या होता है कि क्रांस एनाटोमी में मीजोफिल सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड को चारों तरफ जो है रिबिस्को के आसपास सीओ टू का कर देते हैं और वहां ऑक्सीजन होती नहीं कि कि रिबिस्को ऑक्सीजन के साथ तो मिल करके रिबिसको का नाम क्या है आ, रिबलोस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज रिबिस्को लेकिन जब वो ऑक्सीजन के साथ अपनी एफिनिटी शो करता है तो उसका नाम हो जाता है रिबलोस फॉस्फेट ऑक्सीजिनेस समझ में आया तो लेकिन वो उसके पास से ऑक्सीजन को आने ही नहीं देते सेल्स आप देखो डायग्राम के अंदर तो जब आप डायग्राम में देखोगे तो इस डायग्राम के अंदर क्या होता है कि आ, एंट्री हुई जैसे प्लांट्स के अंदर तो सीओ टू के पास यहां से एंट्री हुई तो यहाँ फॉस्फो इनोल पारविक एसिड ने ले लिए फॉस्फो इनॉल पारविक एसिड है जो एफिनिटी सीओ टू के साथ शो करता है वो ऑक्सीजन के साथ ज्यादा अपनी इंटरेक्शन शो नहीं करता है तो वो डायरेक्ट उसके साथ रिएक्शन करके ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करता है हालांकि ऑक्सीजन एंटर करती है सेल्स में स्टोमेटा है अगर ओपन तो सीओ टू के साथ ऑक्सीजन भी आती है लेकिन फॉस्फो इनॉल पारिविक एसिड उसको क्या करता है कि उसके साथ रिएक्शन नहीं करता ता है वो उसके साथ एफिनिटी नहीं शो करता है और मैलिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है मैलिक एसिड भी जा करके कहाँ ट्रांसफर हो गया पंडरशीत रिबिस्को जो है मिजोफिल सेल में रिबिस्को नहीं है समझ में आया मिजोफिल सेल्स के अंदर रिबिस्को नहीं है रिबिस्को कहाँ पर है बंडरशीत सेल में लीव के सेंटर में है ये जहाँ पर बंडरशीत का सर्कल है वहां पर रिबिस्को है तो रिबिस्को के पास तक ये क्रांस एनाटोमी उसको ऑक्सीजन को पहुंचने ही नहीं देती और सीओ टू का कॉन्सेंट्रेशन उसके आसपास बहुत रहता है तो सीओ टू मैलिक एसिड से निकलती है और इवन जो एटमोस्फियर की सीओ टू एंटर होती है सी थ्री में उससे ज्यादा यहाँ पर निकलती है तो सीओ टू ज्यादा फिक्स होती है यहाँ पर ये बढ़ा दिया मैंने तो ये क्रांस एनाटोमी होती है इसके अलावा ये देखो आप इसको देखकर समझ जाओगे ये अपर एपिडर्मिस से लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा है तो स्टोमेटा के अंदर ये मिजोफिल सेल्स है ठीक है डाइमोर्फिक क्लोरोप्लास्ट का मतलब है ये मिजोफिल सेल्स में आप देखो ये क्लोरोप्लास्ट है चारों तरफ इसका साइज थोड़ा छोटा है लेकिन ये बंडल शीट है ठीक है जो जाइलॉम ऑफ को कवर करती है ये बंडल शीत है चारों तरफ तो ये बंडल शीत के अंदर ये डार्क कलर की जो बड़े बड़े क्लोरोप्लास्ट बने हुए हैं इसका साइज बड़ा है ठीक है अब ये बंडल शीत के अंदर को है ठीक है और बाहर जो है बंडल शीत के अंदर रिबुस्को प्रेजेंट है ये अपर एपिडर्मिस है दीज आर सेल्स ये क्लोरोप्लास्ट हैं जाइलम इन द द सेंटर एक्चुअली दिस इज बंडल ऑफ जो वेन्स दिखती है ना वो ट्रांसफर सेक्शन ऑफ लीव है तो ये वेन्स का पोर्शन नजर आ रहा है जिसमें वेस्कुलर बंडल जो है वो कवर है बंडल शीत के थ्रू तो सेल्स ऑफ बंडल शीत स्पेशल टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट तो ये क्लोरोप्लास्ट ये डायमॉर्फिक कंडीशन है ये क्रांस एनाटोमी होती है इस क्रांस एनाटोमी में यहां से सी टू और ऑक्सीजन दोनों अंदर गई लेकिन यहां पर क्या है फॉस्फोनोल पायरोट है जिसने रिएक्शन किया सीओ टू के साथ और क्या बना दिया सीओ टू से थ्री फोर कार्बन कंपाउंड ऑक्जिलोसिटिक एसिड को आगे जाकर के यहां पर पहले साइटोप्लाज्म में बना और जाके ये क्लोरोप्लास्ट में चला गया वहां ये मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया और ये ट्रांसफर होते हुए मैलिक एसिड कहां ट्रांसफर होके गया बंडल शीत के क्लोरोप्लास्ट में तो कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन जो है चारों तरफ बहुत ज्यादा है कैसे है मैलिक एसिड की फॉर्म में मैलिक एसिड जब इसमें एंटर करता है तो आगे जाकर ब्रेक होता है पार्विक एसिड में जब उसमें कन्वर्ट होता है तो बहुत

इनकी ईल्ड बहुत ज्यादा इवन फोर टू फाइव टाइम्स इनकी सी थ्री प्लांट से ईल्ड ज्यादा होती है

and the intracellular spaces between mesophyll cells are smaller and the chloroplasto cell is larger in size centripetally arranged contain starch grains but lack grana तो बंडल बंडरशीत में ग्रेना नहीं होते हैं वो सेल्स में होते हैं मिजोफिल सेल्स कंटेन नॉर्मल टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड एंड सेल्स परफॉर्म परफॉर्म साइकिल 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 बंडल तो चल रहा है सेल्स के अंदर और बंडल शीत में सी थ्री साइकिल चल रहा है तो दोनों मिलके ही इस ये जो है ज्यादा ईल्ड पैदा करते हैं तो सी फोर प्लांट्स जो होते हैं ये शुगर केन वगैरह दे एवॉइड फोटो रेस्पिरेशन बाई

Much less likely to react with oxygen molecules. And PP fixes carbon dioxide into four carbon molecules oxaloacetic acid, and then it is converted into malic acid that is transported to the deeper bundle sheath cells where Ribusco is found. And the malic acid is then broken down into pyruvic acid. ठीक है तो रिबिस्को जो है अंदर प्रेजेंट होता है वो उसको फिक्स करके कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज एंड दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज यूटिलाइज्ड बाय रिबिस्को एंड कन्वर्ट इनटू शुगर विदाउट हैविंग टू डील विद द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स दैट आर एबेंडेंट इन द सेल्स तो मिजोफिल सेल में तो ऑक्सीजन है लेकिन रिबिसको तो बंडल शीत सेल के अंदर तो वहां ऑक्सीजन पहुंचती नहीं है इसलिए रेस्पिरेशन नहीं होता है सी फोर प्लांट्स के अंदर

सेकेंड हम किसके बेस पर लेते हैं स्टेबल प्रोडक्ट फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बना C3 थ्री प्लांट्स के अंदर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज पीजीए थ्री फॉस्फोग्लिसरिक एसिड लेकिन C4 फोर के अंदर C4 फोर याक प्लांट्स के अंदर क्या होता है फर्स्ट प्रोडक्ट इज ऑक्सलोसिटिक एसिड दैट इज फोर कार्बन कंपाउंड अब फिर फिर से अब डाइमोर्फिक कंडीशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो कि है सिर्फ एक ही तरीके का क्लोरोप्लास्ट है किसमें C3 थ्री साइकिल के अंदर बट हैचलेक्स साइकिल या C4 फोर साइकिल के अंदर डाइमोर्फिक टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड हैचेंग साइकिल बी आर टू टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड द क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन मीजोफिल्स परफॉर्म हैचे साइकिल एंड एनदर टाइप विच इज प्रेजेंट इन बंडल बंडाशीत परफॉर्म

ठीक है रिबिसको शो एफिनिटी विद मोर रिबिस अट्रैक्ट टूवर्ड्स तो द ऑक्सीजन मोर देन दैट ऑफ द सीओ टू तो वो क्या करेगा ऑक्सीडाइज कर देता है फूड को लेकिन हैचिन में रिबिसको को ऑक्सीजन ही नहीं मिलती वो अंदर होता है और ऑक्सीजन सेल्स में होती है तो वहां फोटोरेस्पिरेशन होता नहीं है तो, तो फोटो फोरेस्पिरेशन एबसेंट इन द केस ऑफ हैचिन साइकिल और कैल्पिन साइकिल के अंदर जो लेस एफिशिएंट इन यूटिलाइजिंग एटमॉस्फेरिक इक सीओ टू जबकि हैचन स्लैक में सीओ टू के लिए मोर एफिशिएंट होता है इन यूटिलाइजिंग एटमॉस्फेरिक इक सीओ टू सो दीज आर द डिफरेंसेस

सी फोर प्लाट्स है थ्री टाइम्स मोर ईल्ड मतलब वो इतनी ज्यादा सी थ्री से तीन चार गुना ज्यादा ईल्ड होती है सी फोर प्लांट्स के अंदर नेक्स्ट पॉइंट प्लांट्स कैन कार्बन डाइऑक्साइड इवन इज लो सीओ टू कॉन्सेंट्रेशन जब सी थ्री प्लांट्स एबजॉर्ब करना बंद कर देते हैं सी ओ टू का लो कॉन्सेंट्रेशन होता है उनमें फोटोसिंथेसिस रुक जाती है तब भी सी फोर प्लांट्स लो कॉन्सेंट्रेशन में भी सी फोर साइकिल चलता रहता है

इन वाटर शॉर्टेज जब वाटर की शॉर्टेज भी होती है तब भी सीफो प्लांट्स जो हैं वो कैलविन साइकिल उनके अंदर चलता रहता है तो सीफो प्लांट्स आर बेटर अडेप्टेड इन ट्रॉपिकल एंड ड्राई डेजर्ट एरिया वेयर सनलाइट इज मोर इंटेंस तो ज्यादा सनलाइट में भी सीफो प्लांट्स ज्यादा ईल्ड देते हैं तो सबसिक्वेंटली दीज प्लांट्स हैव रैपिड ग्रोथ रेट एंड हाई बायोमास And economic yield than C3 plants. Okay, thank you so much. Thanks for watching. Have a nice day.